दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन भैया किसी की जान चली जाए या कोई घटना हो जाए, बिल्कुल हाँ, उससे बेहतर यह है कि इसको बैरिकेड करने के आदेश दिए गए हैं। खबर तहकीकात के माध्यम से भी इसकी खबर चली कई बार, उन्होंने बड़ा हमारा सहयोग किया है और भैया खबर तहकीकात का भी हमारे ऊपर स्पेशल एहसान है इस चीज़। थैंक यू। और इसकी स्थिति देखते हुए इसके नीचे से इतनी दहशत होती थी निकलते में कि हम अपने क्या नाम है बच्चों को या भतीजों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते ही ना। मैं इस वक्त बुलंदशहर की मामन चौकी के पास मोहल्ला सरायधारी में मौजूद हूं और यहां पर अभी अभी पुलिस प्रशासन पहुंचा और सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहां पहुंचे और ईओ साहब यहां पर पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो पुल है जो जर्जर अवस्था में है, इसको देखते हुए यहां बैरिकेडिंग कर पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देने की बात कही गई है। यहाँ जो वार्ड मेंबर हैं वो मौजूद हैं, क्या कहा है प्रशासन के लोग, क्या कह रहे हैं? मैं बादल गाजी वार्ड नंबर 34 से सभासद हूँ। मैं इसमें 2018 से लेटर लगा रहा हूँ सर जी। इसकी झड़झड़ हालत ऐसी है कि इस पर कोई भी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए मैंने डीएम साहब को लेटर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी आख्यात के बनिए सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, ईओ साहब, सीओ साहब और पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी टीम बनाई उसकी। आज वो निरीक्षण के लिए आए थे, निरीक्षण जब उन्होंने किया तो अनसेफ इसको पाया और पाने के बाद में कहा कि इसको बैरिकेडिंग किया जाए क्योंकि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। बैरिकेड जो किया जाएगा, बैरिकेडिंग कहां से कहां तक किया जाएगा, क्या बैरिकेडिंग नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से करा जाएगा, जो इस पे आवागमन गवन जो रहता है वो नहीं रहे, जिससे कि किसी की कोई बादल जी अगर इसको पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, बैरिकेड कर दिया जाता है इधर भी उधर भी, तो लोगों का आवागमन जो है वो कहां से होगा? सर एक काली नदी की तरफ से रास्ता भी है जो जा रहा है उधर से, और पीछे से भी नरसल घाट की तरफ से रास्ता है जो कसाईवाड़ा के पुल की तरफ निकल जाता है। कुछ लोगों को बढ़ जाएंगे ना फिर? हाँ, दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन भैया किसी की जान चली जाए या कोई घटना हो जाए, बिल्कुल हाँ, उससे बेहतर यह है कि इसको बैरिकेड करने के आदेश दिए गए हैं और इसको बहुत जल्दी बनाने का चल रहा है भैया। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ के पुल की जो स्थिति है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये दिखाएं कि यहाँ पर जो ई रिक्शा आप देख रहे हैं, लगातार इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों लोगों का यहाँ से आवागमन होता है, मगर उसके बावजूद भी लाख कोशिशों के बावजूद इस पुल को नहीं बदला गया। मगर यहाँ ये जो बादल मेंबर साहब हैं, इनकी बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद में अब प्रशासन चेता और यहाँ प्रशासन ने इसको फ़िलहाल बैरिकेड करने की बात कही है और ये बहुत जल्द इस पुल को बनाने की बात कही है। हाँ जी, बात करेंगे? नहीं, चलिए ये नगर पालिका के लोग हैं, दिखा दीजिए, नगर पालिका कर्मचारी हैं, क्योंकि यहाँ से ईओ साहब जो हैं वो जा चुके हैं, जिसकी वजह से भाई बाइट तो नहीं से लेते मगर किसी इमरजेंसी काम की वजह से रुक नहीं पाए। हाँ, क्या कुछ कहें? खबर तहकीकात के माध्यम से भी इसकी खबर चली कई बार, उन्होंने बड़ा हमारा सहयोग किया है इसमें, ऐसा नहीं है। और अब प्रशासन इसको शासन सभी देख के गया है और इसको बैरिकेड की भी बात कर गए, और क्या नाम है, ये देखिए आप, पूरा बहुत बुरी झड़झड़ हालत में भैया। ये शासन और प्रशासन का हमारे ऊपर स्पेशल एहसान रहेगा यहाँ की बस्ती के ऊपर, और भैया खबर तहकीकात का भी हमारे ऊपर स्पेशल एहसान है इस चीज़। थैंक यू। दिखाओ थोड़ा सा पुल की हालत और दिखा दीजिए, ये वाकई है। इस वक्त हम यहाँ अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये ईंटें जो हैं वो खुद आप देख सकते हैं अपने आप में कि कब गिर जाए, ये भरभरा कर पुल कब गिर जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि कितनी बार यहाँ से ईंट गिरने की वजह से यहाँ सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। कुछ डर लगता है यहाँ से निकलते में? डर लगता है। फिर उसके बावजूद निकलते बढ़ते रहते हैं यहाँ से, निकलते बढ़ते रहते हैं, क्या कह रहे हैं? पहले तो बहुत शिकायतें भी दर्ज कराई, कुछ मजबूरी है हमारी, क्या किया जाए? हाँ, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकीउर रहमान है। हाँ, और इसकी स्थिति देखते हुए इसके नीचे से इतनी दहशत होती थी निकलते में कि हम अपने क्या नाम है बच्चों को या भतीजों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते ही ना, तो वो बस आ पाती है, खुदा ना खास्ते अंदर आग जाने की कोई घटना हो जाए या आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ पाती है, तो उससे काफ़ी समस्या है। पुल भी काफ़ी नीचा आ चुका है, सड़क बन बनकर और जर्जर हालत में है। ये अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ पुल है, ये डांटों का बनाया हुआ पुल है। इसका 2018 से हमारे वार्ड के सभासद जी जो हैं बादल गाजी साहब, वो 2018 से क्या नाम है डीएम साहब को शासन प्रशासन को अवगत करा रहे थे। आज उसका डीएम साहब ने संज्ञान लिया, लेने के बाद में एक कमेटी गठित करी जिसमें उन्होंने निरीक्षण करा और उन्होंने कहा कि ये पुल अनसेफ है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, जिस घटना को देखते हुए किसी की जान माल का घटना को रोकने के लिए इसे बैरिकेडिंग के आदेश करके गई है माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी। और अब उम्मीद लग रही है कि ये बन जाएगा। चलिए खैर, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। और यहाँ पर पहले बहुत बहुत ज़्यादा यानी दुर्गति रहती थी, यहाँ कूड़ा वगैरह पहले रहा करता था, पहले हमने खबर चलाई थी जिसके वजह से
ये आज जो कूड़े की जगह है वो गार्डन के रूप में आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो बादल जी को फिर से मैं दिखाऊंगा, बादल जी का ये बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा। यहाँ रात रात को बैठे जो लोग कूड़ा वगैरह डालते थे उनको रोकने की इन्होंने कवायद की। उसके बाद में तब कहीं जाकर इसका नाम तिरंगा पार्क जो है वो पड़ पाया। और बड़ी मशक्क़त के बाद में अब इस अंग्रेज़ों के ज़माने को पुल को तोड़कर यहाँ फिर से कुछ ऐसा मतलब ऊंचाई कर दी जाएगी, या तो अब देखते हैं कि प्रशासन जो है वो किस तरह से इसको बदलता है।